हुआ है। मैं खुशी। तो आज हम रिएक्शन करने वाले खान सर ठग लाइफ एंड कॉमेडी पर, जो कि आप लोग की रिक्वेस्ट है। तो इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। मैं देखिएगा ना, लड़की सब नौटंकी करती है सर, तुमने मुझे धोखा दिया, जाओ मैं अपना नस काट लूंगी। ससुरी घुसियाती है सर तो नसवा काट लेती है सर। ये बकलोलिया, ऊपर वाला सिरा काहे काट रही है, कचकचा के काटना एकदम धमनी, तब समझ में आएगा। आपको कोई अगर ब्लैकमेल करे ना, जब मैं हाथ काट लूंगी, ससुरी को कहिएगा ना, तो ससुरी धमनी काट, धमनी ये वाला धमनी काट, नहीं काटेगी, बहुत होशियार होती है सब। तो आपको कोई इस तरह से उलझाए तो उलझिएगा नहीं, किसी को लाइफ में मनाइएगा मत। एक बार मना दिए ना, जिंदगी भर मनाना पड़ेगा। हाँ। नहीं तो हर दो मिनट पर उठेंगे, हाँ हम खाना नहीं खाएंगे, छोड़ दीजिएगा भूखले। आप कितना दिन कोई भूखे रहेगा, जब खाना खाने जाए तो टोक दीजिए, हे तुम तो गुस्सा थी, बोली थी कि खाना नहीं खाएंगे, मत खा मत खा। ससुरी को 15 दिन तक ऐसे भूखे टटा दीजिएगा, देखिएगा जिंदगी भर कबो ही नहीं बोलेगी कि हम खाना नहीं खाएंगे। जब जब याद आएगा कि ससुरा बहुत जल्ला आदमी है, 15 दिन भूखले छोड़ दिया था। उनको भी पता है कि महिलाएं देखती है तो प्रचार देगा। ये देखिए फेरन लग गई, मात्र 4 हफ्ते में चमगादड़ से परी बन जाइए तुरंत। अरब का नाम, एगो लड़की थी उसका नाम था लैला, और यमन का एक लड़का था जिसका नाम था कैस। यमन का एक लड़का था नाम था जिसका नाम क्या था, कैस। यहाँ पे लड़कवा का नाम था कैस, और यहाँ एगो लड़की थी जिसका नाम था लैला। आई दोनों एक के बॉर्डर के पास के रहने वाले थे सर, दोनों में चक्कर चल गया। लैला फंस गई किससे, कैस से फंस गई लैला, समझे। तो गांव में हल्ला हो गया और सऊदी अरब में कि लैला फंसल है वो कैस से, और कैस मिलने चल जाता था बार बार लैला से, आईयो इन्ने चलाती थी। तो एक बार सऊदी अरब वाला ना कैस को पकड़ के बड़ी मार मारा सब, ससुरा का हाथ गोड़ तोड़ दिया सब, यहाँ पे एकदम मुंह हाथ फोड़ दिया सब एकदम बेचारा। अब कैस आया यहाँ पे, हल्दी चूल्हा छापा गया उसको, यहाँ पे आराम किया, हल्दी दूध पिया, फिर तन सा सही हुआ, फिर चल गया उससे मिलने लैला से, फिर बड़ी बांस मारा सब, बांस से मारा सब, उसका हड्डी उड्डी तोड़ दिया सब कैस का। कैस एकदम परेशान था, कहता कि हम लैला के बिना नहीं रह सकते हैं, लैला कह रही है कि कैस के बिना नहीं रह सकते। देखिए जब भी लव होता है ना, लड़कियां नहीं पिटाती हैं सर, लड़की भी जहाँ तहाँ पिटाता है, लड़की उड़की के मैटर पे, इसलिए बहुत कम रहिएगा लड़की के मैटर में, वरना पिटाना एकदम ठीक से समझ। तो कैस जो था वो बार बार जाता था किससे मिलने, लैला से मिलने। सऊदी वाले पीट पीट के थक गए, कैसे कि दोस्त सब जाते ना, ये चट्टा मानिए नहीं रहा है, कितना मारिएगा। और रियलिटी में यार मारने की भी एक सीमा होती है, मारिएगा तो आप भी माया लगेगा कि नहीं लगेगा, कि बेचारा उसके प्यार में पागल है, पिटा रहा है। तो सब ने ना कैस को ना पागल घोषित कर दिया, कहा कि पागल है पागल। ये ससुर इधर से समुन्द्रवा में से तैर के चल जाता था इधर मिलने के लिए, ये होता है प्यार का नशा यहाँ पर। तो यहाँ पर चल गया, समझ में। तो ये जाता था सब इसको कहें सब पागल पागल है पागल है पागल है पागल है, तो सब कैस को क्या बोलने लगे सब, पागल। कैस का नाम क्या हो गया, पागल हो गया सब, पगला पगला पगला। कैस जाता था पगला पगला पगला, वो बेचारा फटल चिटल कपड़ा पहन के चल जाता था मिलने। तो बबुआ पगला जो शब्द है वो हिंदी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा में पागल को मजनू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मजनू कहा जाता है। तो ससुरा कैस का नाम हो गया मजनू, और ये कहानी प्रसिद्ध हो गई लैला मजनू। क्या हो गया, लैला मजनू, इतिहास गवाह है, सच्चा प्यार मिल ही नहीं सकता है, समझ में आ गया कि नहीं। अरे कृष्ण और राधा का प्रेम अधूरा रह गया तो इंसान को नहीं डेक्ची का मसाला है, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन सच्चा प्यार, अरे सच्चा प्यार डेक्ची का मसाला केवल लात खिलवाता है। आपकी नौकरी हो जाएगी तो समझिए सब कुछ सही है, नौकरी नहीं होगा तो ऐसे ही पिटाते रहिएगा एन्ने उन्ने, समझ आ गया नहीं, बहुत लात खाइएगा, समझ आ गया कि नहीं। स्टोरी सच की है कि झूठ की, अरे बकलोलवा सच्चे ना है रे, अब कैसे झूठ के कहाँ से, अभी तो झूठ नहीं लग रहा है इस इंसान के पास, तो हृदय नाम की चीज़ नहीं है, इसको अभी भी लैला मजनू झूठ लग रहा है, हद है भाई। इसलिए हम नहीं रहते हैं इस सब चक्कर में, बारे बाबू शंकर शाह जी नहीं रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये कोई पूछ ना रही है आपको, शंकर साहू जी कर हम इसी चक्कर में नहीं रहते। अरे अगर किसी लड़का को लड़की पसंद नहीं आती है तो बहुत गड़बड़ है भाई, उसको डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए, तो गड़बड़ है, लेकिन कंट्रोल करके रखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई सबसे जरूरी है, अगर नौकरी नहीं होगा ना तो लड़की का ब्याह हो जाएगा,
हाँ। कोई नहीं पूछने वाला है आपको, लड़की नौकरी नहीं होगा ना तो लड़की क्या करेगी, उसके लिए कोनो नौकरी वाला लड़का आएगा ब्याह होकर चल जाएगी, आप उसके भैया हमें कुर्सी सीधा करिएगा कि मोहल्ले का बारात आई ले कुर्सी सीधा करे और चल जाएगी आपके सामने देखबो नहीं करेगी, और 2 साल के बाद एगो बच्चा लेके आएगी और कहेगी कि बाबू बाबू मामा कहो मामा, अपने बचवा से आपको मामा कहो आएगी, बचा हुआ उम्मीद भी तोड़ देगी, समझ आएगा कि नहीं आएगा। और नौकरी हो गया ना तो टेंशन फ्री, अगर आपकी नौकरी हो गई पूरा अच्छा से पीसीएस अधिकारी हो गए एसडीएम बीपीएससी वगैरह निकालिए, पीसीएस स्टेट एग्जाम यूपी पीसीएस हर जगह के लड़के पीसीएस दरोगा और बड़ा पोस्ट पे जाइए, मस्त लाल बत्ती की गाड़ी से उतर के तब लाइन मारिए, तो लड़की का बाप भी देखेगा तो कहेगा अरे छोड़ दे भाई ये ऐसा दबाव तो सचवा सब ना में ना मिलते, अब बेरोजगार होके जाके लाइन मारेंगे ना तो बड़ी मार मारेंगे सब, लड़की का बाप मारेगा, लड़की का भाई मारेगा, लड़की का पहलका वाला मारेगा, सब मारेंगे सब वहाँ पे, लड़की कुछ नहीं होती है, लड़की के 4 गो बॉयफ्रेंड है चारों को पीटेंगे तो चारों में कहेगी ओ माय गॉड मत पीटो अरे ससुर सब नहीं को पिटवाएगी वहाँ पे, ये सब चक्कर में मत पड़िएगा, सब कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। Hey, y'all, come look at this. एक से दूसरा जुड़ा रहता है, आप यहाँ देखिए एक लंबी गैलरी दिखेगी, आप गैलरी देखिए, आप इधर इसको टहलिए ध्यान से देख रहे हैं, आप इधर मत देखिए, ये लंबी गैलरी देखिए, लिक्विड की आपकी खासियत बताएं, इसमें खिंचाव बल काम करेगा जो क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहेगा, चिपका देगा, जिस वजह से महिलाओं को पता है कि इनका बाल चिपक जाएगा तो फिर लहराएगा कैसे, तब क्या करती हैं सही सर, आगे जैसे भाभी जी को देखिए पूरा झोंझे बाल आगे गिरा दिए, अरे गमछा लेकर फटाफट ऐसे मारेंगे सब, पूरा पानी क्या करेंगे 80% पानी निकाल देगी सब, अब कहेंगे हाँ अब है फिजिक्स का नहीं, इनको फिजिक्स नहीं पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से वो चिपक रहा था, वो पृष्ठ तनाव की वजह से चिपक रहा था, क्योंकि पानी अपने एरिया को कम करना चाहता है और बाल पानी लगा है इसलिए पानी एरिया कम करेगा तो बाल को भी सटा देता है और बाल फंसने लगता है इन लोग का, अब इसीलिए कहते हैं, फिर कहती है सर अभी भी नहीं लहराएगा, लहराने के लिए पूरा पानी सुखाना पड़ेगा, तो ऐसे ना जूड़ा बांध देंगे सर, इसे तौलिया का लेके देखिए पीटने के लिए गमछा पतर का और इसको मोड़ने के लिए खूब अच्छा तौलिया गदगदुआ, आधा घंटा इसे तौलिया मारने के बाद उसके बाद खोलने के बाद लहराएगा, समझा गया कि नहीं, ये देहात की महिला करती है सर, जो सीबीएसई बोर्ड की महिलाएं रहती है ना वो एक ड्रायर रख ले रहती है सर, देखिए भोपू टाइप का है ना ड्रायर, बलवा खोल के इसे धुआं मार के सुखा देती है, सीबीएसई बोर्ड वाली होती है सर, और तू लोग ससुराल लड़की को देख रहा है सर ना, अरे बकलोल कही का कितना समझाए तू लोग को, लड़की सबको देखिएगा उन सबका हर अलग अलग डिजाइन का बाल झाड़ने का होता है, और लड़कों का जीवन क्या एक के हेयर स्टाइल पर जिंदगी बीत जाता है, उनके लिए अलग, स्कूल के लिए अलग, कोचिंग के लिए अलग, मार्केट के लिए अलग, और पूरा बाल झाड़ने के बाद लड़की सब एक बाल ऐसे यहाँ से नीचवा इसे गिरा देगी सब, और उसको 24 घंटा इसे सीधा करते रहेंगे मत चाहिएगा, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है, हम आपको कल भी बताए थे अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, आप सब इधर ध्यान देता है सर, एग्जांपल दूसरा देते पढ़ाई करके नौकरी उकरी लीजिए लोग, और नहीं नौकरी वगैरह नहीं हुआ ना तो घर वाला क्या करेगा सर, कैसे ही बूढ़ सूढ़ को थमा के भेज देगा ले जाओ, जो बनती है आलिया उसी को मिल जाता है कालिया, इसलिए ज्यादा मेकअप तेकअप पे ध्यान नहीं दीजिएगा, इन्हें की ठोड़ ओढ़ रंग के घूमने लगे हैं कोरोना के बीच में, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई वगैरह करिएगा तब ना आपको अच्छा घर द्वार मिलेगा, नहीं तो ऐसे थमा देगा किसी को घर वाला, कोई सरकारी नौकरी लेके आएगा कैसनो रहेगा एकदम करिया भूचेंगे लेके चल जाएगा, इसलिए सब लोग भाई पढ़ाई एकदम ना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक तो ट्रेंड चल गया अजब हाल है भाई साहब, एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा, मेरा होगा क्योंकि पैसा मेरा है, तो आप सोचिए आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से, कौस्तव पात्रा सर सीबीएसई वाला हूँ बेइज्जती मत कीजिए, बेवकूफ कही का सब सीबीएसई वाला हमारा बेइज्जती करके हमको सीबीएसई से भगा दिया था, हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते थे अकेले उसमें काला थे सब हमको कालिया कालिया बोलता था सर, और सीबीएसई वाला सब गोरा गोरा होता है सब, चाय बिस्कुट खा के बड़ा हुआ है सब, हम लोग तो रोटी चावल खाने वाले लोग काला हो गए लोग, सुबह सुबह चाय गोरा था सर हमको काला काला बोलता था, हम कहीं भाड़ में जाओ सीबीएसई बोर्ड, हम सीबीएसई छोड़ दिए हिंदी मीडियम में चले, हमको सबसे ज्यादा बेइज्जती किया है सीबीएसई बोर्ड वाला, हम काला है तो क्या हुआ दिल वाला है सब बोलता था कालिया कहीं का सीबीएसई में आ गया, चलो
सागर कुमार कह रहे हैं कि सर मेरे मैप में फिलिस्तीन नहीं है, कहीं इजराइल उड़ा तो नहीं दिया? नहीं बाबू अभी है, नील नदी है बाबू, इधर मिस्र में दिखेगा आपको। अरे पकड़ लो, कौन कर रहा है? राहुल सिंह बिटबो करेंगे, काश आपकी शादी सीबीएसई बोर्ड की लड़की से हो जाए, पगला जाएंगे हम, ना करेंगे हम। सीबीएसई वालों से मेरा थोड़ा भी नहीं जमता है। करा सीबीएसई वाला माता लगा लेंगे। सुबह उठते मोमोज खाएगी, मोमोज बर्गर ये, अरे भाई ये सब हम लोग से होगा ही नहीं यहाँ पे। ओ माई गॉड, दुकुन जुकुन क्रैचअप ये सब दुका दुका खाता है, घास फूस कुछ खा जाता है सब दुकान। सुबह उठते टोस गरम करेगी, अरे हम लोग कौन चीज, रात में चावल बच गया भूज के खा जाओ, रोटी बच गया तवा पे तल के चाय से खा जाओ। तो हिंदी मीडियम वाला लो भाई, हमारा कहता है सीबीएसई वाला से ब्याह हो जाए, पिटबो करेंगे हम। प्यार व्यार धोते बेटा मौका है, दूर ससुर से क्या पढ़ रही? मेरी वाली सीबीएसई बोर्ड की, लेकिन मैं उसको हिंदी वाली सीबीएसई बोर्ड वाली सचिव से दिन रात गिफ्टे मांगती होगी। सही बात है, सब पता है लड़के के बारे में। गए थे उसमें क्या नाम है, तभी ठीक नहीं जाता, दिल्ली गए हुए थे तो एम्स में, तो एक लड़का था वो फोन पे बतिया रहा था, तो सुनाई नहीं देता है, हम लोग खाना खाने बैठे थे, तो ओकरी वाली कह रही है कि हमरा डंकी डोनट चाहिए, डंकी डोनट। हम कहीं से सुन रही, गधा के मीट मांग रही है क्या डंकी डोनट? हम कहीं कौन सी खरीद रहा है? देखे उस सोच रहे को इतने जलेबी टाइप का था, कुछ खरीद के लेके चल गया अपनी वाली के लिए, तभी हम समझे कि पक्का ही सीबीएसई वाली है। ये तो कौन सी खा रही थी, एंगन गोल टाइप का था, अगर ये डंकी डोनट, हमारा लगा गधा का मीट खाएगी। तब समझ में आना है डंकी डोनट कुछ दूसरा चीज होता है। अगर पढ़ा लिखा आदमी रहेगा ना, खूब पहुंच वाला रहेगा, बूढ़ो रहेगा तो शादी कर लेती है सर, क्योंकि सब होशियार होती हैं सर, जानती हैं सर कि एक तो इसका इनकम है, दूसरा इसके पास दिन कम है, कम में दिन में मर जाएगा, फिर दूसरा खोज लेंगे, पहले वाले से कह देंगे आ जाओ। समझ में आ रही नहीं किसी कोई दिक्कत? बहुत होशियार है। आगे देखिए, एशिया कंप्लीट होने तक आप समझाएंगे, रजत सिंह है, एशिया किन किन देशों से अलग होता है और एशिया यूरोप में कौन सागर अलग करता है? वो एशिया कंप्लीट हो गया कि लगे कूदने। आगे समझते हैं, ये बोलता है मेरी वाली अनपढ़ रे बकलोल कहीं। कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, वाह वाह बम का जमाना है उड़ा दो साले। अरे पहले की लड़की बोलते थे सब कोई पत्थर से ना, आज की लड़की क्या बोलती है, आया बाहर है जिया बेकरार है, आजा मोरे बलमा न तो दूसरा तैयार है। कहीं कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। वही पर पोइट्री मार दी, वाह भाई वाह, इनका बोलने का स्टाइल मस्त है। ये वाला जो थोड़ा है ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका, क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, और यही कम रहेगा ना तो लेफड़ा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं, फिजिक्स का टॉपिक समझिए। इसको देखिए, इसे जो लग रहा है मोबिल पुतले है यहाँ पर, ये पक्का सीबीएसई बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सब, बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं करता है सब। तो ये इंतजार किया, बज के चाय शुरू किया, इनके लाभ इनके खे, सारे के सारे पोल खोल दिए, उन्हें सब कुछ पता है हर एक चीज। हाँ इन्होंने बातें तो बिल्कुल सही बताई, जो जो भी बात की है ना सबसे एग्री करते हैं, ऐसा होता है। हाँ और जो उन्होंने ये बात तो बार बार बोली कि पहले पढ़ाई करनी चाहिए और फिर लड़की के पीछे, तो पहले नौकरी फिर छोकरी, हमारी बात भी इनकी सही थी, सारी बातें इनकी सही थी। हाँ और जो बालों के बारे में बताया, फिजिक्स ये सब कुछ तो हमें पता ही नहीं है, हम तो देखकर ही हैरान हो गए, फर्स्ट टाइम ऐसे सुना है। इनका बोलने का स्टाइल भी इतना मस्त है, और मतलब अगर ऐसा टीचर हो तो पढ़ने में भी इतना मजा आएगा, और इनका बोलने का स्टाइल भी ऐसा था, हंसी भी आ रही थी और बातें भी समझ आ रही थी। तो वैसे आप बताना आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, मैं जो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।